जेडिया पंचायत संस्था का प्रतिभा सम्मान समारोह 2024 मनाया गया, जिसमें हमारे समाज के 8th, 10th, 12th और IIT, NEET, PhD रिसर्च करे हुए बच्चों को हमने सम्मानित करा। MBBS में जो जिन्होंने डिग्री ली है, MBBS में जिनका एडमिशन हुआ है, कॉलेज मिले, उनका सम्मान करा। समाज की तकरीबन 150 से 200 प्रतिभा हैं, उनको आज हमने सम्मानित करा। इसके अलावा साथ में गवर्नमेंट जॉब में जो लगे हैं, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरार बने हैं, उनको भी हमने सम्मानित कराया है। और शिक्षा के क्षेत्र में हम समाज को आगे ले जाने के लिए प्रोग्राम कराए हमने, ताकि सभी वर्ग के बच्चे 8th, 10th, 12th वाले यहाँ आए। हमारे बच्चे 90 से ऊपर, कई बच्चे ऐसे हैं जो 90% से ज़्यादा बोर्ड की परीक्षा में नंबर लेके आए हैं। और आगे हम इनके कोचिंग, निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था और एक बहुत ही शानदार विश्व स्तरीय लाइब्रेरी बनाने का हमारा प्रयास रहेगा, जिससे इन बच्चों को हम एजुकेशन में बहुत ही आगे लेके जाएँ। और आज इनके साथ में उनके पेरेंट्स हैं, उनका भी सम्मान करा, उनकी भी मेहनत है इसके साथ में, और ये शिक्षा का जो है क्रम हम आगे बढ़ाते रहेंगे। मैं राजेश बंसीवाल, शिक्षा मंत्री, अजमेर जटिया पंचायत संस्था। आज अजमेर जटिया पंचायत संस्था का प्रतिभा सम्मान समारोह 2024 मनाया गया, जिसमें हमारे समाज के 8th, 10th, 12th और IIT, NEET, PhD रिसर्च करे हुए बच्चों को हमने सम्मानित करा। MBBS में जो जिन्होंने डिग्री ली है, MBBS में जिनका एडमिशन हुआ है, कॉलेज मिले, उनका सम्मान करा। समाज की तकरीबन 150 से 200 प्रतिभा हैं, उनको आज हमने सम्मानित करा। इसके अलावा साथ में गवर्नमेंट जॉब में जो लगे हैं, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरार बने हैं, उनको भी हमने सम्मानित करा है। और शिक्षा के क्षेत्र में हम समाज को आगे ले जाने के लिए प्रोग्राम कराए हमने, ताकि सभी वर्ग के बच्चे 8th, 10th, 12th वाले यहाँ आए। हमारे बच्चे 90 से ऊपर, कई बच्चे ऐसे हैं जो 90% से ज़्यादा बोर्ड की परीक्षा में नंबर लेके आए हैं। और आगे हम इनके कोचिंग, निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था और एक बहुत ही शानदार विश्व स्तरीय लाइब्रेरी बनाने का हमारा प्रयास रहेगा, जिससे इन बच्चों को हम एजुकेशन में बहुत ही आगे लेके जाएँ। और आज इनके साथ में उनके पेरेंट्स हैं, उनका भी सम्मान करा, उनकी भी मेहनत है इसके साथ में, और ये शिक्षा का जो है क्रम हम आगे बढ़ाते रहेंगे। सर बताइए। हाँ, सभी को नमस्कार। मेरा आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया अजमेर जटिया पंचायत संस्था द्वारा, जिसमें हमारे वर्तमान अध्यक्ष जी हरजन जी जटिया द्वारा इस समारोह का शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अमित गोस्वामी जी, जो कि अभी जेएलएन मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर कार्यरत है। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें 80 से अधिक विद्यार्थी सम्मानित हुए और 30 से अधिक अन्य कैटेगरी में मेधावी कैंडिडेट्स को सम्मानित किया गया। ये कहाँ पे हुआ था सर? ये प्रोग्राम जो है वो जटिया पंचायत अजमेर संस्थान पहाड़गंज गंगा माता मंदिर परिसर में संपन्न हुआ है। जय श्री राम, नमस्कार। दीपावली और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी पर ऐसे ही बना रहे। आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जो प्रदूषण को देखते हुए आप ग्रीन पटाखों का यूज करें, इसके साथ ही जो मतलब आप खरीदारी करें दीपावली की, तो ये अजमेर शहर के अंदर जो रोड के ऊपर जो गरीब लोग दीपावली के जो सामान बेच रहे हैं, दीपावली के जो पटाखे बेच रहे हैं, दिए बेच रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी उनसे करें। इसके साथ ही आप अपने बच्चों का विशेष तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि पटाखों के टाइम में बहुत ज़्यादा, दीपावली के टाइम में बहुत ज़्यादा बड़े हादसे होने की संभावना होती है। आप सभी को पुण्य दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं महेंद्र सिंह गोराज, शहर जिला अध्यक्ष OBC मोर्चा, जय श्री राम।